गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, अपना कालाहारी मरुस्थल के अंदर बुशमैन जनजाति के बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे, जो निवास क्षेत्र के बारे में मैप वाइज मैंने आप लोगों को बता दिया कि कौन कौन से क्षेत्रों के अंदर ये निवास करती है। तो बुशमैन जनजाति के बारे में कुछ बातें अपनी हो चुकी हैं, कौन सी प्रजाति से ये मिलती जुलती हैं, इनका निवास स्थान क्या है, और शिकार से संबंधित जो टॉपिक है वो लास्ट अपना हुआ था। तो आज अपन पढ़ेंगे बुशमैन जनजाति का भौतिक वातावरण। भौगोलिक वातावरण किसका? बुशमैन जनजाति का। देखो, बुशमैन जनजाति के भौगोलिक वातावरण की अगर चर्चा करते हैं तो इसके अंदर क्या है, आपका शीतकाल तो क्या होता है, छोटा होता है, ग्रीष्मकाल क्या होता है, लंबा होता है। इनके निवास क्षेत्र है वो क्या है, आपके कालाहारी बेचुआना लैंड है, जिम्बाब्वे है, ओकोलो है, और इन्हीं के साथ साथ क्या है, आपका दक्षिणी अफ्रीका देश है, इनके अंदर क्या है ये देखने को मिलती हैं। और इसी क्षेत्र के अंदर क्या है, आपकी बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं भौगोलिक क्षेत्रों के अंदर कि यहाँ पे क्या होता है, आपके तापमान की अगर बात करते हैं तो ग्रीष्म काल के अंदर 45 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो देखने को मिलता है, और शीतकाल के अंदर अगर बात करते हैं तो शीतकाल यहाँ का क्या होता है, छोटा होता है। इसी क्षेत्र के अंदर क्या है, आपकी वनस्पति है वो वनस्पति का अभाव है यहाँ पे देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्या है 33 सेंटीमीटर वर्षा है देखने को मिलती है, इसलिए यहाँ वनस्पति है वो छोटे छोटे कांटेदार वृक्षों के रूप में देखने को मिलती है। और यहाँ पे क्या है, पशुओं के लिए क्या है, चारागाह है वो भी क्या है बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। इसीलिए क्या है, आपके बुशमैन जो जनजाति के लोग हैं वो क्या है, आपके एक जगह से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। जहां पे अगर क्या होता है, पशुओं के लिए चारा है या खुद के लिए मांस है वो नहीं प्राप्त होता, तो ये क्या है, आपकी एक जगह को छोड़कर दूसरे स्थान पे क्या है निवास करने लग जाते हैं। तो इस तरीके से क्या है, ये भौगोलिक वातावरण के अंदर निवास करते हैं। तो सबसे पहले अपन इसके अंदर देखते हैं, पहला शिकार। देखो, शिकार करने के इनके क्या है अलग अलग तरीके होते हैं, जिसके अंदर शिकार के तरीके, जिसके अंदर सबसे पहले शिकारी को फंदों में फंसाना, फंदों में मतलब जाल के अंदर जाल बिछा दिया जाता है, कोई भी गड्ढा बनाया उसके अंदर जाल बिछा दिया, और जाल बिछाने के बाद में कोई भी जानवर जो अचानक से आता है तो वो क्या हो जाता है, उस जाल के अंदर गिर जाता है। तो इस तरीके से क्या है, फंदा शिकारों को फंदों में फंसाना, तो इस तरीके से क्या है, शिकारी को क्या कर दिया जाता है, फंदों में फंसा दिया जाता है। दूसरा क्या है, शिकार को कीचड़ में दलदल या उसी के साथ साथ कीचड़ में फंसाना। अगला है शिकार के लिए विषाक्त पदार्थ पिलाना। और अगला क्या है, आपका विषाक्त पदार्थ पिलाना गड्ढों में गिराकर
यानी कि देखो ये लोग क्या करते हैं, जब भी कोई भी शिकार का कार्य करते हैं या कह सकते हैं कि आखेट जब करते हैं तो ये क्या करते हैं, सबसे पहले जानवरों को क्या किया जाता है, फंदों में फंसाना, या कह सकते हैं कि ये जो ये लोग क्या करते हैं कि जाल होता है एक काफी बड़ा, और वो क्या होता है कि जाल बिछा देते हैं और जाल के अंदर क्या है ये जो जानवर होते हैं वो फंस जाते हैं और उनके द्वारा क्या है ये शिकार करके अपना भोजन है ग्रहण करते हैं। और ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही प्रकार के होते हैं, सर्वभक्षी इन्हें कहा जाता है, क्योंकि ये क्या है हर चीज मतलब चाहे वो क्या होती है आपकी छोटी छोटी चींटी से लेकर चींटी, मेंढक, मक्खी, टिड्डी, खरगोश, चमगादड़, चूहा, चूहिया, चिड़िया, सब जो भी आपके सिंह, चीता, जंगली बिलार, आपका हाथी, शुतुरमुर्ग है, आपका जो घोड़े होते हैं, सभी पक्षियों को क्या है ये खा लेते हैं, सभी पक्षियों का क्या है ये शिकार करते हैं। उसी के साथ साथ आपका बतख है, हंस है, गिद्ध है, रेंगने वाले कीड़े हैं, मकोड़े हैं, ये जो जितने भी आपके छोटे से लेकर बड़े जो जानवर आपके क्या होते हैं मांसाहारी होते हैं उनको सबको ये खा लेते हैं। और इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये क्या है दीमक जो होती है, अपने घरों के अंदर आपने देखा होगा कि जो दीमक होती है लकड़ी लकड़ी के अंदर ज्यादा लगती है, कई कई घरों के अंदर आपके दीवारों के अंदर ऐसे ऊपर चढ़ती हुई देखी होगी मिट्टी की, तो या जो अपने लकड़ी होती है लकड़ी के अंदर भी क्या होती है दीमक लगती है, उसके छोटे छोटे कीड़े से होते हैं या कह सकते हैं चींटियों जैसे होते हैं, तो ये क्या है उसको भी नहीं छोड़ते हैं। तो जो आपके जो कह सकते हैं बुशमैन जनजाति है ये क्या है आपके शिकार के अंदर आपके छोटे से जानवर से लेकर बड़े बड़े हाथी है, शुतुरमुर्ग है, आपका शेर है, चीता है, आपका बतख है, हिरण है, सबका क्या है ये शिकार करते हैं। तो ये क्या है अपने शिकार के अंदर क्या है हर छोटे से जानवर से लेकर बड़े से जानवर का है शिकार करते हैं। तो शिकार करने के इनके तरीके जो विधियां होती हैं वो क्या होती हैं अलग अलग रूप में अपनाई जाती हैं, जिसके अंदर फंदे जाल के अंदर बिछा के शिकार किया जाता है, दलदल या कीचड़ में, यानी कि कोई भी काफी बड़े दूर के अंदर जैसे ही बरसात होती है तो वहां पे क्या है पानी है वो इकट्ठा कर दिया जाता है, उसको दलदल बना दिया जाता है, और वहां से अगर जानवर गुजर रहे हैं तो वहां पे वो दलदल के अंदर फंस जाते हैं और अपने तीर कमान के द्वारा क्या कर लेते हैं वो शिकार कर लेते हैं। उसी के साथ साथ क्या है शिकार के लिए विषाक्त पदार्थ, यानी कि जो जैसे ही वो पानी पीते हैं उस पानी के अंदर क्या है विषाक्त पदार्थ है वो मिला देते हैं, जिसके कारण वो या तो बेहोश हो जाते हैं या वो मर जाते हैं, जिसके कारण वो क्या कर लेते हैं बुशमैन जनजाति के लोग शिकार कर लेते हैं। उसके बाद में गड्ढों में गिराकर यानी कि काफी बड़ा गहरा गड्ढा कर देते हैं और उस गड्ढे के ऊपर क्या है घास फूस बिछा दिया जाता है, जिससे पता नहीं चलता है कि नीचे क्या है गड्ढा है। तो इस रूप के अंदर ये क्या करते हैं गड्ढे के अंदर क्या है जानवर है वो गिर जाते हैं और उससे क्या है ये जानवरों का शिकार कर लेते हैं। तो इस तरीके से क्या है ये शिकार की अनेक विधियां हैं अपनाते हैं। और शिकार के अंदर ये क्या क्या किन किन का शिकार करते हैं, जैसे घोड़ा, गिद्ध, चींटी, चूहा, चूहिया, शेर, चीता, खरगोश, हाथी, उसी के साथ साथ इसके अंदर हंस, बतख, गीदड़, गीदड़ और उसके बाद अगर बात करें तो छिपकली, मेंढक, मक्खी, टिड्डी,
मक्खी, टिड्डी, छिपकली आदि का शिकार करते हैं। तो इस तरीके से क्या है, शिकार के रूप में क्या है, छोटे जानवर से लेकर बड़े जानवरों का क्या है, ये शिकार करते हैं। उसी के साथ साथ अपन शिकार के रूप में अगर बात करें तो ये क्या होते हैं, शिकार के रूप में आपके बुशमैन लोग सर्वभक्षी होते हैं। ये ज्यादातर मांसाहारी जानवरों को अधिकतर खाते हैं। और इन्हीं के साथ साथ अगर देखा जाए तो इन लोगों के अंदर आपके जिराफ है, शुतुरमुर्ग है, आपकी जंगली बिल्ली है, इन सब का भी शिकार ये नहीं छोड़ते हैं। जैसे जिराफ कितना लंबा होता है, जिराफ, शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग, जंगली बिल्ली, बिल्ली आदि का शिकार करते हैं। ठीक है, आदि का ये क्या करते हैं, शिकार करते रहते हैं। और इनकी अगर बात करें तो बुशमैन जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, आपकी जो दीमक होती है उसको क्या होते हैं, ज्यादा शौकीन होते हैं, या दीमक को, दीमक को खाने के अधिक शौकीन होते हैं। देखो इन जनजातियों को अगर तुम लोग अच्छे से पढ़ोगे तो इंटरेस्टिंग है। ठीक है, जैसे मान लो अलग अलग चीजें हैं वो अपन को पढ़ने को मिल रही हैं कि ये क्या है, चींटी है, चूहे हैं, जानवर है, सबको खा जाते हैं, छिपकली है, सांप है, जितने भी आपके चीता है, शुतुरमुर्ग है, आपका जंगली जानवर जितने भी हैं उनको सबको ये क्या है, खाते रहते हैं। मतलब इनकी जो रीति रिवाज है, इनका खान पान है, इनका रहन सहन है, सबकी क्या है, पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगते हैं। इनको ऐसे इंटरेस्ट के रूप में पढ़ोगे तभी ये आपको याद होंगी, अदरवाइज तो आपको याद नहीं होंगी। एक बार अगर वीडियो देखने के से समझ में नहीं आता है तो उसको दोबारा से रिपीट करके देख लेना, आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। क्योंकि सबसे पहले अपन उनका निवास स्थान देखते हैं, फिर प्राकृतिक वातावरण देखते हैं, सबका क्या है, एक जैसा सा देखने को मिलता है। और इन जनजातियों के बारे में आगे अगर अपन पढ़ते हैं तो इनका जो भोज्य पदार्थ है वो किस रूप में देखने को मिलता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया भोज्य पदार्थ के रूप में ये क्या क्या शिकार करते हैं, वो ही क्या है, इनका भोजन होता है। भोजन के रूप में क्या होता है, ये लोग क्या है, खासकर किसका ध्यान रखते हैं, जैसे नर और मादा के रूप में ये क्या है, अंतर करते हैं। कोई भी आपका जो नर और मादा के रूप में सबसे बड़ा अंतर करते हैं कि मादा अगर होती है तो उसका शिकार है ये नहीं करते हैं। उसी के साथ साथ जो छोटे जानवर होते हैं उनका ये क्या है, शिकार नहीं करते हैं। इनके अंदर कह सकते हैं कि मानवता की भावना है वो भी क्या होती है, उजागर रहती है, जिसके कारण ये क्या है, छोटे जानवरों का शिकार नहीं करते हैं और मादा का भी शिकार नहीं करते हैं। तो इस रूप के अंदर इनके शिकारी के रूप में अगर देखा जाए तो ये इनकी विशेषता के रूप में देखने को मिलता है। आगे अगर बात करते हैं तो भोज्य सामग्री, भोजन सामग्री,
देखो भोजन सामग्री के रूप में अगर बात करें तो बुशमैन क्या है, आपकी मांसाहारी होते हैं। आखेट में मछली, पेड़ों की जड़ें, शहद इनके भोजन में मुख्य अंग है। ये क्या है, छोटे कीड़े मकोड़ों को क्या है अधिक पसंद करते हैं, दीमक, चींटी और उनके अंडे। ये क्या है, बहुत इनको स्वादिष्ट लगते हैं खाने में। और स्त्रियां और बच्चे बेर, कंदमूल, फल, तरबूज इत्यादि क्या है खाते हैं। और उसी के साथ साथ ये लोग अपने भविष्य के लिए क्या है भोजन का संचय नहीं करते हैं। और कभी कभी ये क्या है इनको भूख के मारे क्या है मरना पड़ता है। और बुशमैन कुशल कुशल होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये जो बुशमैन होते हैं वो क्या है आपकी आधी से ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा इनको भूख रहती है। तो बुशमैन लोगों के लिए ये कहा जाता है कि जो भेड़ होती है उसका आधा हिस्सा ये एक बुशमैन है वो खा जाता है। कि भेड़ को अगर, भेड़ तो देखी हुई होगी आप लोगों की, कि आधी से ज्यादा या आधी भेड़ है वो एक बार में खा जाते हैं। तो सोच सकते हो कि इनके खाने का जो तरीका है वो कितना, खाने में ये कितना खा सकते हैं। और पसंद क्या करते हैं, जैसे चींटी है, दीमक है, उनके अंडे हैं, ये सारी चीजें ये खाते हैं। ठीक है, तो ये इनको क्या है पसंद होते हैं। उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो जब ग्रीष्म ग्रीष्म काल में भोजन का अभाव होता है तब बुशमैन दुबला हो जाता है और अपने परिवार का भोजन है वो भोज्य पदार्थ के रूप में, जैसे आपके जो कीड़े मकोड़े होते हैं उन्हीं से क्या है ये भोज्य पदार्थ के रूप में काम में लेते हैं। और उसी के साथ साथ अगर देखा जाए भोज्य पदार्थों के साथ साथ तो ये शुतुरमुर्ग के अंडों से बने बर्तन और बर्तनों का प्रयोग करते हैं। और उसी के साथ साथ क्या है पेट की जो शुतुरमुर्ग के अंडे की जो टोकरी होती है उसके अंदर क्या करते हैं ये बर्तन बना के रखते हैं, उसके अंदर पानी डाल के रखते हैं। और उसी के साथ साथ क्या है ये पानी भरने के लिए भी जाते हैं उस टोकरी से। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो ये क्या है आपके बहुत दूर तक क्या है शिकार के लिए भी निकल जाते हैं। तो ये इनकी क्या है विशेषताएं देखने को मिलती हैं। बुशमैन मांसाहारी होते हैं और अधिकतर कीड़े मकोड़े, चींटियां दीमक व इनके अंडे को खाना अधिक पसंद करते हैं। उसी के साथ साथ अगर देखा जाए या कह सकते हैं कि इनके जो जो अंडे या जो इनके चिट्टियों के जो अंडे होते हैं वो इनको क्या है बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। स्त्रियां वह बच्चे बेर, कंदमूल, तरबूज, कंदमूल, तरबूज और खाते हैं। तरबूज खाकर ये अपनी प्यास बुझाते हैं। तरबूज
जानवर व मानव दोनों ही खाते हैं क्योंकि पानी की कमी की पूर्ति यह तरबूज करता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये किसको खाते हैं, अधिकतर तरबूज का प्रयोग करते हैं। और उसी के साथ साथ देखा जाए तो ये लोग क्या है, आपके अधिक भोजन का संचय नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि आपका, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या होता है, ग्रीष्म काल क्या होता है, लंबा होता है, जिसके कारण ये अगर किसी चीज को रखते हैं तो वो क्या हो जाती है, अधिक सड़ जाती है। इसलिए क्या है, ये अधिकतर संचय नहीं करते हैं, और संचय करेंगे भी कहाँ से, क्योंकि अगर इनको कोई भी मांस अगर मिल जाता है तो ये क्या है, बहुत ज्यादा खाते हैं। जैसे आपकी, मैंने अभी बताया आपको, भेड़ को आधी से ज्यादा या आधी के लगभग एक बार में खा लेते हैं। दूसरा ये क्या है, सड़ा गला भोजन भी खा लेते हैं, खाने में यह है सड़ा गला भोजन भी खा जाते हैं। भोजन का संचय नहीं करते, भोजन का संचय नहीं करते हैं, और उसी के साथ साथ ये क्या है, आधी से ज्यादा भोज एक भूखा बुशमैन एक बुशमैन भेड़ का आधा भाग एक बार में खा जाता है। तो इस तरीके से क्या है, ये खाने में बहुत ज्यादा खाते हैं। और उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो ग्रीष्म काल के अभाव में क्या है, इनको भोजन है वो कम प्राप्त होता है। ग्रीष्म काल में भोजन कम मिलता है, जिससे ये कमजोर पड़ जाते हैं। ये क्या है, इनके भोज्य पदार्थ के रूप में विशेषताएं हैं, देखने को मिलती हैं। उसके बाद में अगर बात करते हैं तो इनके घर की बात करते हैं कि इनके घर है वो किस रूप के अंदर देखने को मिलते हैं। और उसी के साथ साथ ये क्या है, शुतुरमुर्ग के अंडों का मुर्ग के अंडों की टोकरी वे बर्तन बनाते हैं, उनसे पानी भर कर लाते हैं। तो इस तरीके से ये बर्तनों के रूप में अगर देखा जाए तो शुतुरमुर्ग के अंडे को तोड़कर उसके क्या है, बर्तन बनाए जाते हैं। और ये क्या है, अधिकतर आपके बहुत ज्यादा इनको शिकार अगर नहीं मिलता है तो ये क्या है, काफी दूर तक क्या है, चले जाते हैं शिकार के वास्ते। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इनके घरों की, घर देखो
बुशमैन लोगों के घर हैं वो क्या है, आपके स्थायी रूप से देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि आपकी बुशमैन जनजाति होती है वो अपने जानवरों को और अपने बच्चों को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या है घूमते रहते हैं या भ्रमण करते रहते हैं। और क्यों करते हैं, क्योंकि आपके एक स्थान पे उनको या तो क्या हो जाता है, ग्रीष्म काल है वो छोट ग्रीष्म काल में वर्षा नहीं होती है, जिसके कारण क्या हो जाता है भीषण अकाल हो जाता है, इसलिए वो एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इसलिए इनके इन्हें क्या है आपकी स्थायी जगह पे क्या है इनके घर है वो नहीं होते हैं। ये क्या है आपके अपने कबीले अपने परिवार को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। तो ये इनके क्या है विशेषता के रूप में देखने को मिलती है। और वर्षा ऋतु में ये क्या है दूर दूर तक बिखर जाते हैं, जहाँ पे आपके क्या है इनको जहाँ पे आपके जो पशुओं के लिए या खुद के खाने के लिए क्या हो जाते हैं आपके साधन मिल जाते हैं, तो इसके लिए वो क्या है उस स्थान पर रुक जाते हैं और वहीं पे अपनी झोपड़ी यहाँ है वो बना लेते हैं। उसी के साथ साथ अगर इनकी बात करें तो इन पुरुषों के अंदर क्या है अग्नि प्रज्वलित करने की जो कला है वो इनके अंदर देखने को मिलती है। और इसी के साथ साथ क्या है इन क्षेत्रों के अंदर गृहणियां जो होती हैं स्त्रियां होती हैं वो क्या है झोपड़ी बनाती हैं और क्या होती है चार चार पांच फीट की क्या है खंबे तैयार करती हैं और उसके ऊपर क्या है झोपड़ी का निर्माण करती है और घास फूस उसके ऊपर डाल देती हैं। तो इस तरीके से क्या है ये झोपड़ी का निर्माण करती है और झोपड़ी का दरवाजा है वो क्या है छोटा रखती है, जिसके कारण जंगली पशु है वो क्या है उनसे बचा सके। और इसी के साथ साथ क्या होता है यहाँ पे अगर देखा जाए तो वर्षा ऋतु में इनका जीवन है वो बड़ा दुखमय हो जाता है और हिंसक जो पशुओं से रक्षा करने के लिए क्या है ये झोपड़ी बना के रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है इनके घर हैं वो स्थायी नहीं होते हैं। बुशमैन स्थायी रूप से घर बनाकर नहीं रहते, ये ऋतु के अनुसार गतिशील रहते हैं। ये लोग अधिक सामान और अधिक बच्चे भी नहीं रखते हैं, क्योंकि ये लोग स्थायी नहीं रहते और ज्यादा सामान व ज्यादा बच्चे होंगे तो वह दूसरे स्थानों पर जाने में समस्याएं आएंगी। जिन क्षेत्रों में वनस्पति होती है वहीं यह है
रहने लग जाते हैं और झोपड़ियां बना लेते हैं, झोपड़ी बना के रहते हैं। और स्त्रियां हैं वो क्या हैं, खंबे खड़े कर देते हैं और खंबे खड़ा करने के बाद में उसके ऊपर क्या कर दिया जाता है, घास फूस डाल दिया जाता है और छोटा सा वहां पे क्या है, दरवाजा रखा जाता है। झोपड़ियों के लिए 4 से 5 खंबे लगाए जाते हैं और उसके ऊपर घास फूस डाल दिया जाता है इसके एक छोटा दरवाजा रखा जाता है। जिससे ये अंदर व बाहर जाते हैं। तो इस तरीके से क्या है, इनके घर हैं देखने को मिलते हैं। ये इनके क्या है, घरों से संबंधित विशेषताएं हैं देखने को मिलती हैं। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो घर की बात हो गई और उसी के साथ साथ क्या है, इसमें अपने औजार और बर्तनों की बात करते हैं कि ये क्या है, औजार और बर्तन है वो किस रूप के अंदर रखते हैं, कौन कौन से बर्तन है ये प्रयोग में लेते हैं। देखो बर्तनों की अगर बात करें तो ये क्या है, अधिक सामान है वो प्रयोग में नहीं लेते हैं और इनके लिए अगर देखा जाए हथियार और औजार जो होते हैं, इनके हथियार और औजार कैसे देखने को मिलते हैं, इनके जो औजार होते हैं ये क्या है, अपने साथ ही रखते हैं, जहां कहीं भी जाते हैं अपने जो औजार है उनको साथ में रखते हैं, क्योंकि तीर कमान है वो क्या है, शिकार करने के लिए एनी टाइम इनके साथ में होता है। तो ये शिकार के अंदर क्या है, तीर कमान का प्रयोग है अधिकतर काम में लेते हैं। और तीर कमान फेंकने वाला नुकीला डंडा, भाला, बर्छा, अग्नि दंड आदि क्या होते हैं, ये काम में लेते हैं। और जो पेड़ों के छिलके होते हैं उनके छिलकों से क्या है, रस्से बनाए जाते हैं और दलदल के अंदर उनको दबाने के बाद में क्या होता है, इनका जो रस जो पानी होता है वो क्या कर लिया जाता है, इन लोगों के द्वारा चूस लिया जाता है मुंह से। और उसी के साथ साथ अगर इनके औजार की बात करते हैं तो पत्थर से क्या है, ये चाकू बनाते हैं। उसी के साथ साथ इनके चाकू की जो लंबाई होती है वो 5 इंच होती है। बुशमैन लोग हैं वो लोहे का भी क्या है, प्रयोग में लेते हैं। उसी के साथ साथ ये क्या है, जो ये जो शुतुरमुर्ग और जिराफ की जो हड्डियां होती हैं उन हड्डियों को घिसकर जो आपका तीर कमान वाला तीर का जो नुकीला हिस्सा होता है उसके आगे ये क्या है, हड्डियों को घिसकर वहां पे अग्रिम भाग पे आगे वाले भाग पर लगाते हैं। और इनका जो धनुष की जो डोरी होती है वो 2.5 से 3 फीट क्या होती है, लंबी होती है। और इसी के साथ साथ ये क्या है, चाकू का अग्नि दंड का भी क्या है, प्रयोग करते हैं। अग्नि को क्या है, रगड़ करिए क्या है, आग को प्रज्वलित करते हैं। और इसी के साथ साथ क्या है, ये लोग 2 से 3 फीट क्या है, इसी के साथ साथ ये लोग अगर जो शुतुरमुर्ग होता है उसके अंडों का क्या है, जल भरने के लिए प्रयोग में लेते हैं। और उसी के साथ साथ क्या है, ये जो लोग होते हैं वो क्या है, सुंदर आभूषण भी बनाते हैं। ये अधिकतर क्या है, गुफाओं के अंदर रहते हैं और गुफाओं के अंदर रहते रहते ये क्या है, पेंटिंग भी बनाना सीख जाते हैं। और उसी के साथ साथ क्या है, ये आभूषण भी बनाते हैं, किसके,
शुतुरमुर्ग के अंडे का क्या है, ये आभूषण बनाते हैं, और ये जो आभूषण होते हैं वो क्या है, बाहर भी बेचे जाते हैं, और बाहर जब ये बेचते हैं तो उनके बदले लोहे के चाकू है, बर्छे है, ज्वार बाजरा है, तंबाकू है आदि क्या है खरीदते हैं। तो ये इनके क्या है, औजार और बर्तनों के रूप में इनकी विशेषता है देखने को मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही, और कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।